हेलो स्टूडेंट, आज हम क्लास 9th में मैथ्स 1 में देखेंगे वास्तविक संख्याएं का प्रैक्टिस सेट 2.4। ये चैप्टर कंटिन्यू है, तो मैं विभू मिश्रा आपका स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल बेसिक क्लास में। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि आप किस स्कूल से हैं और आपका नाम क्या है, इतना ज़रूर बताइए। और वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए। अगर कहीं भी डाउट है वीडियो में, कुछ भी ऐसा आपको लगता है, तो आप उसको कमेंट में लिखकर वापस पूछ सकते हैं। तो आज हम क्वेश्चन नंबर 1 में देखेंगे। आपसे ये भी एक रिक्वेस्ट है कि आप भी जब भी ये वीडियो देखें तो आप अपने सामने बुक को रख कर देखें, क्योंकि स्क्रीन पर आपको इसका बुक क्वेश्चन मिल जाएगा, लेकिन फिर भी आप रख कर ही पढ़ाई करें। और इसके अलावा इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अदर जो वीडियो है 2.1, 2, 3 का, वो आपको पूरा प्लेलिस्ट का लिंक दिया है, वहाँ से आप सारी वीडियो देख सकते हैं। पहला क्वेश्चन में गुणन करे दिया है। गुणन करे में पहला क्वेश्चन क्या दिया है वो देख लीजिए। पहला क्वेश्चन दिया है √3, ब्रैकेट में है √7 माइनस √3, ब्रैकेट क्लोज। अब देखिए इसमें करना क्या है आपको, तो पूरे ध्यान से वीडियो को देखिए। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, ये जैसे क्या रहता है, a माइनस b अगर दिया है, इसी फॉर्म में है। देखिए रूट है और a √7 माइनस √3 है, तो इसका हम ये रूट इसका क्या करते हैं, अंदर मल्टीप्लाई करते हैं। तो a का a से मल्टीप्लाई होगा तो a स्क्वायर हो जाएगा, माइनस a का फिर b से मल्टीप्लाई होगा तो a भी हो जाएगा। इस तरीके से हम करते हैं। तो सेम इसमें क्या करेंगे, इस √3 का एक बार √7 से और फिर एक बार √3 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो इसका क्या फॉर्मेट है चलिए देख लेते हैं। √3 मल्टीप्लाई √7, फिर यहाँ पे माइनस का साइन है तो माइनस लिखेंगे, फिर √3 मल्टीप्लाई √3, माइनस की साइन है तो माइनस, रूट एक बार √3 का √7 के साथ मल्टीप्लाई, फिर एक बार √3 का √3 के साथ मल्टीप्लाई होगा। तो इस तरीके से हो गया। चूँकि मैंने इसके पहले वाले वीडियो में बताया है कि मल्टीप्लाई करते समय इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि एक ही रूट में 3 × 7 लिख सकते हैं, माइनस की साइन है तो माइनस 3 × 3 लिख सकते हैं। इस तरीके से भी इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो ये गया, तो यहाँ पे 3 × 7 = 21, तो √21 हो जाएगा, माइनस यहाँ पे क्या होगा, 3 × 3 = 9, तो √9 हो गया। अब यहाँ पर देखिए ये 9 क्या है, जब 9 का वर्गमूल क्या होता है, √3 × √3 इक्वल √9 इक्वल क्या होता है, 3। इसका वर्गमूल क्या होता है, 3 होता है। तो यहाँ पर √9 के प्लेस पे हम 3 लिख सकते हैं, क्योंकि ये पेयर में है तो एक बाहर आएगा तो 3 ही रहेगा। तो इस तरीके से √21 माइनस क्या हो जाएगा, ओनली 3। तो यही इसका जो है आंसर हो जाएगा। इसके इससे ज़्यादा ये ज़्यादा सिंप्लीफाई नहीं हो सकता, तो ये इसका सिंप्लीफाइड रूप है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इसी में आते हैं, पहले का ही दूसरा। तो पहले के दूसरा क्वेश्चन क्या है, ब्रैकेट में √5 माइनस √7, इसके बाद ब्रैकेट के बाहर √2 है। इसके पहले वाले क्वेश्चन में √3 पहले था और ये √2 बाद में है। इसमें भी सेम वही करना है, एक बार √2 का √5 से गुणा करना है, फिर √2 का √7 से गुणा करना है, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इसको ब्रैकेट को तोड़ते समय ये ऐसा करते हैं, तो √5 मल्टीप्लाई √2 हो जाएगा, फिर माइनस की साइन है तो माइनस, √7 मल्टीप्लाई बाई √2। इसको और सिंप्लीफाई अगर करते हैं तो हमें क्या मिलता है, इसको और सिंप्लीफाई करते हैं तो √5 × √2 माइनस दूसरे ब्रैकेट √7 × 2। इस तरीके से ये हो गया। इसको और सरल करेंगे तो यहाँ पर देखिए 5 × 2 = 10, तो यहाँ पर √10 माइनस 7 × 2 = 14, √14, यही इसका आंसर हो जाएगा। बहुत ही सिंपल है, ज़रा सा बेसिक पता है तो इजीली कर सकते हैं। इसी तरीके से समय न बर्बाद करते हुए आते हैं तीसरे में, थर्ड वाला। इसका देखिए थर्ड वाला आपको थोड़ा पहले बुक में देखिए क्वेश्चन क्या है दिया है, ब्रैकेट में 3 √2 माइनस √3, ये ब्रैकेट क्लोज। फिर दूसरे ब्रैकेट में दिया है 4 √3 माइनस √2, ब्रैकेट क्लोज। तो इसमें हमें अभी क्या करना है, तो इसको सॉल्व करते समय हम क्या करेंगे, इस 3 √2 का एक बार पूरे इस ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब 4 √3 के साथ, फिर माइनस √2 के साथ, फिर माइनस √3 का इसके साथ, 4 √3 के साथ और माइनस √2 के साथ मल्टीप्लाई करें, बारी बारी से इसको तोड़ते हैं। तो चलिए देखते हैं कैसे होगा। 3 √2 इस पूरे पद का किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, इस पूरे पद के साथ, तो 4 √3 माइनस √2, ठीक है, ये हो गया। अब माइनस की साइन है तो माइनस, अब माइनस √3 है तो माइनस √3, अब ये √3 है। अब इसको क्या करते हैं, दूसरे ब्रैकेट में यही 4 √3 माइनस √2, ये इस तरीके से हो गया। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इसको फिर से तोड़ेंगे, ये √3 का 3 × √2 इसका इस पद के साथ, फिर माइनस टू इस पद के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो चलिए इसको देखो 3 √2 उसके बाद क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई 4 √3, ये हो गया। फिर माइनस क्या है,
माइनस 3 रूट 2 मल्टीप्लाई बाई रूट 2, ठीक है। माइनस की साइन है तो माइनस रख दिया, ठीक है। सेम इसमें भी करेंगे माइनस 3, अब ये माइनस 3 का माइनस हो गया, इसके साथ मल्टीप्लाई बाई 4 रूट 3, और फिर ये माइनस की साइन और ये माइनस की साइन क्या हो जाएगा, प्लस रूट 3 और मल्टीप्लाई इसके साथ किसके साथ हो रहा है, रूट 2 के साथ, ये हो गया। ये पूरा मैंने सभी पदों को बस तोड़ा है, एक बार फिर से देख लीजिए, ये रूट 3 का किसके साथ, इसके साथ, और फिर माइनस 2 के साथ, यहाँ पर ये फिर रूट 2 और 2 के साथ मल्टीप्लाई हुआ, फिर माइनस 3 का 4 रूट 3 के साथ, और फिर माइनस माइनस प्लस हो गया, और रूट 3 मल्टीप्लाई रूट 2 इसके साथ मल्टीप्लाई हो गया। अब इसको क्या करेंगे, सबको एक साथ रख लेंगे, तो कैसे होगा, यहाँ पर 4 3 जा क्या होता है 12 होता है, तो यहाँ पे 12 राइट कर देते हैं, 4 3 जा 12, और ब्रैकेट में रूट 2, अरे ब्रैकेट रूट में रूट 2 मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा 3, फिर ये माइनस की साइन है तो माइनस, यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस 3 है बाहर, ये 2 है और ये भी 2 है, तो ब्रैकेट में 2 इंटू 2 कर लेंगे, ठीक है। इतना हो गया, अब ये क्या है माइनस की साइन है तो यहाँ माइनस, अब यहाँ पे 4 बाहर है तो यहाँ पे 4 को क्या करेंगे बाहर रख लेते हैं, और यहाँ पे 3 और 3 रूट में है तो इसको एक साथ क्या करेंगे 3 इंटू 3 कर लेते हैं, एक ही रूट में कर लेते हैं। अब ये प्लस की साइन है तो यहाँ प्लस कर लेते हैं, एक ही रूट में 3 इंटू 2 कर लेते हैं, ठीक है। इतना आई थिंक आपको क्लियर समझ में आया है। अब इसी में आगे बढ़ते हैं, देखिए क्या करते हैं, इसको सिंप्लीफाई करते हैं। ये 12 है तो 12, 2 3 जा 6 तो 6, उसके बाद माइनस, ये माइनस की साइन है माइनस 3, फिर 2 2 जा क्या हो जाएगा 4, और ये किसकी साइन है माइनस की, 4 माइनस 4, यहाँ पे फिर रूट में क्या 3 3 जा 9 प्लस ये 3 2 जा 6, इतना हो गया। इतना आपने सिंप्लीफाई करना देखा। अब हमें इसमें से जो घटता और बढ़ता है उसको देख लेते हैं। तो पहले क्या करते हैं हम कि ये सारे जो रूट वाले पार्ट है उसको एक साथ लिख लेते हैं, तो 12 रूट 6, ठीक है। फिर माइनस क्या हो जाएगा, सॉरी ये रूट 4 है तो ये जब ब्रैकेट के बाहर आ जाएगा तो 2 हो जाएगा, तो माइनस 3 मल्टीप्लाई 2, ठीक है। ये माइनस 4 है, अब ये 9 का वर्गमूल क्या होता है 3 होता है, तो मल्टीप्लाई बाई 3, बाहर आया तो 3 हो गया, प्लस रूट 6, ठीक है। पहले इसको सिंप्लीफाई किया, 4 का वर्गमूल 2 होता है तो रूट के बाहर आएगा तो 2 हो जाएगा। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, 12 करणी में 6, ये प्लस की साइन है करणी में 6, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, फिर क्या करना है, 3 दूनी 6 माइनस 6 माइनस 4 या 12, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए क्या बचता है, देखिए ये 12 रूट 6 प्लस रूट 6 ये तो साथ में है, माइनस माइनस प्लस होता है और साइन माइनस की रहती है, तो माइनस 6 माइनस 12 माइनस 18 हो जाएगा, तो ये 18 हो गई। अब देखिए 12 करणी में 6 प्लस एक और करणी में 6, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 13 करणी में 6 हो जाएगा, यही होता है, और माइनस 18 को नहीं दिखा, सॉरी यहाँ पर क्या किया है, 12 करणी में 6 प्लस क्या है एक और करणी में 6 है, इन दोनों को जोड़ने पर माइनस क्या आया, 18 आया है। अब इसको जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 12 करणी में 6 प्लस एक और करणी में 6, तो 13 करणी में 6 माइनस 18 18, ये हो जाएगा इसका आंसर। तो एक बार पूरा देखिए और स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपको समझ में ज़रूर आएगा, तो ये इस तरीके से ये सॉल्व हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। तो देखिए दूसरा क्वेश्चन है, हरों का परिमेयीकरण करो। तो इसमें क्या है, अनुबंध युग्म क्या है, अनुबंध युग्म ये जो हर है, करणी में 7 धन करणी में 2, ये अनुबंध युग्म है। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो इसमें इस तरीके से लिखेंगे कि चूंकि करणी में 7 प्लस करणी में 2 का अनुबंध युग्म, अनुबंध युग्म क्या है, करणी में 7 माइनस करणी में 2 है। अनुबंध युग्म क्या होता है, जिसकी ये प्लस है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका अनुबंध युग्म माइनस हो जाएगा, बस यही होता है, आपको बस यही समझना है। अगर ये प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, अगर मल्टीप्लाई है तो डिवीजन, डिवीजन है तो मल्टीप्लाई, यही अनुबंध युग्म होता है। तो इसका अनुबंध युग्म विलोम युग्म यही होता है, तो ये हो जाएगा। तो अब हम क्या करेंगे, अनुबंध युग्म से क्या करेंगे, ऊपर नीचे मतलब माइनस 7 माइनस रूट 2 का ऊपर नीचे अंश और हर में क्या करेंगे, गुणा करने पर, तो इसलिए 1 अपॉन रूट 7 प्लस रूट 2 मल्टीप्लाई बाई क्या हो जाएगा, 7 माइनस 2 या रूट 2 अपॉन क्या हो जाएगा,
7 माइनस रूट 2। अब यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि अंश और हर में, हर और अंश में जो भी लिख सकते हैं, हर और अंश अनुबंध युग्म से गुणा करने पर, अनुबंध युग्म से गुणा करने पर। तो इस तरीके से यहाँ पर जब हम गुणा करेंगे तो ये हमें प्राप्त होगा। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये तो इसका 1 से मल्टीप्लाई होगा तो रूट 7 माइनस रूट 2 आ जाएगा, लेकिन इसका जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो क्या होता है, आपको फॉर्मूला पता है, a प्लस बी और a माइनस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यही पता है। तो ये समझो a प्लस बी है और ये माइनस बी है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, रूट 7 का स्क्वायर, रूट 7 का स्क्वायर माइनस रूट 2 का स्क्वायर, यही हो जाएगा ना। अब देखिए जब भी ये रूट का स्क्वायर वैल्यू रहता है तो ये क्या करता है, रूट को क्रॉस कट कर देता है, मतलब रूट वैल्यू हट जाती है, वो डिटेल में बाद में बताएंगे कैसे होता है। तो इस तरीके से वर्गमूल हमें प्राप्त होता है, तो हमें क्या होगा, रूट 7 माइनस रूट 2, ये अंश का पार्ट तो है ही, अपॉन ये जब कैंसिल हुआ तो 7 माइनस 2 हमें मिलेगा, क्योंकि ये स्क्वायर क्या किया, इसको इसी जो करणी है इसको क्रॉस कट कर दिया। तो अब देखिए रूट 7 माइनस रूट 2 अपॉन क्या हो गया, 7 में से 2 गया तो कितना आया आंसर, 5। तो यही इसका जो है फाइनल आंसर होगा। कुछ करना नहीं है, जो आपका हर है उसका अनुबंध युग्म बनाना है, ऊपर नीचे गुणा करना है, और आपको फॉर्मूला, ये वाला फॉर्मूला पता है, उसी के बेसिस पे इसको सॉल्व सरल कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, देखिए यही क्वेश्चन नंबर 2 का ही दूसरा क्वेश्चन है, 3/2√5 − 3√2। तो इसका क्या होगा, का अनुबंध युग्म क्या होगा, 2√5 − 3√2 का अनुबंध युग्म क्या हो जाएगा, ये माइनस की साइन है तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या, √2√5 + 3√2 ये हमें प्राप्त होगा। अब इसको क्या करना है, हमें सिंप्लीफाई हमें करना है, तो कैसे करेंगे, इसलिए ये क्या हो जाएगा, 3/2√5 − 3√2 इक्वल 3/2√5 − 3√2 मल्टीप्लाई 2√5 + 3√2 अपॉन क्या हो जाएगा, 2√5 + 3√2। अब अंश और हर में अनुबंध युग्म से गुणा करने पर, ये साइड में इसके पहले वाले क्वेश्चन में जैसे मैंने लिखा है, अंश और हर में अनुबंध युग्म से गुणा करने पर ये हमें प्राप्त होगा। तो चूंकि मैंने अभी बताया था क्या होता है, a प्लस बी और a माइनस बी क्या होता है, बराबर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, अरे सॉरी माइनस b स्क्वायर, तो सेम यहाँ पर भी है a प्लस बी और a माइनस बी, तो ये इसको क्या करेंगे, इस 3 अपॉन क्या लिखेंगे, लिख लेते हैं पहले यहाँ पे एक साथ 2, यहाँ पे पहले 3 के साथ 3 का जब मल्टीप्लाई इसमें होगा तो 3/2√5 + 3√2 ये मल्टीप्लाई के साइन के साथ रहेगा, अपॉन क्या होगा, 2√5 − 3√2, फिर दूसरे ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, 2√5 + 3√2 ये हो जाएगा। अब इसको वही है मैंने जो फॉर्मूला बताया, तो उस हिसाब से करेंगे और ऊपर भी क्या करेंगे, 3 के सभी पदों में 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो जब हम इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 3/2 = 6√5 + 3/3 = 9√2 ये हो जाएगा, और अपॉन क्या हो जाएगा, ये इन दोनों का क्या हो जाएगा, वर्ग हो जाएगा। तो कैसे इसको लिखेंगे, 2√5 − 3√2 ठीक है, सूत्र के हिसाब से ये पूरा जो बिखरा है इन दो पार्ट में उसको इस तरीके से लिख लेंगे। तो अब यहाँ पे 6√5 + 9√2 अपॉन ये स्क्वायर क्या करेगा, इसको कैंसिल कर देगा, और ये स्क्वायर इसको, तो कैसे लिखेंगे, और ये 2 2 क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा इसको, तो इस तरीके से हो जाएगा। इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो 4√5 हो जाएगा माइनस 3 3 3 = 9 होता है ना, 3 3 = 9 और रूट 2 का वर्ग हो जाएगा। तो ये स्क्वायर स्क्वायर और ये इसको कैंसिल करेगा, तो हमारा बचा क्या है, 6√5 + 9√2 अपॉन क्या है, 4 × 5 और यहाँ माइनस की साइन है तो माइनस 9 × 2
ठीक है। अब इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो 6√5 + 9√2 / 4 5 = 20 - 9 = 18। तो अब 20 में से 18 माइनस होगा तो 6√5 + 9√2 / क्या हो जाएगा, ओनली 2। ये इसका फाइनल आंसर हमें प्राप्त होगा। इस तरीके से इसको सॉल्व करेंगे, बहुत ही सिंपल है। इसके बाद आते हैं थर्ड क्वेश्चन, इसी के थर्ड क्वेश्चन भी एक साथ देख लीजिए। तो थर्ड क्वेश्चन क्या दिया है, 4/7 + 4√3। अब यहाँ पे प्लस है तो क्या इसका अनुबंध युग्म क्या हो जाएगा, माइनस। तो 7 + 4√3 का अनुबद्ध युग्म 7 - 4√3 है, ठीक है, यही है। तो इसलिए क्या लिखेंगे, 4/7 + 4√3 मल्टीप्लाई 7 - 4√3 / 7 - 4√3 का अंश व हर में गुणा, किसका गुणा, अनुबंध युग्म का, अनुबंध युग्म का अंश और हर में गुणा करने पर। तो अब हम अनुबंध युग्म का जब अंश और हर में गुणा करेंगे तो ये 4 के साथ मिलकर क्या हो जाएगा, 4, ठीक है, ब्रैकेट में 7 - 4√3 / क्या हो जाएगा, यहाँ पे इनका अंश और हर में गुणा तो क्या हो जाएगा, 7² - 4√3 का स्क्वायर, सबका स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पे पहले 4 को इसके अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 7 = 28 - 4 4 = 16 और √3, ठीक है, अपॉन क्या हो जाएगा, 7 7 = 49 - 4 4 का भी वर्ग होगा, 4 4 = 16 और मल्टीप्लाई बाय 3 हो जाएगा क्योंकि ये स्क्वायर इसको क्रॉस करेगा। तो आगे देखिए इस तरीके से लिखेंगे और इसके बाद यहाँ पे देखिए 28 - 16 और तो 16 का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 3 = कितना होता है, 48। तो 28 - 16√3 / 49 - 48। तो 49 में से 48 मल्टीप्लाई माइनस करेंगे तो 28 16√3 / 1 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ये इसका जो है फाइनल आंसर होगा। तो देखिए इस तरीके से इसको सॉल्व करेंगे, बहुत ही ईजी है। बस अनुबंध युग्म आपको पता समझ में आ गया तो ये सवाल लगाने में आपको कोई कठिनाई नहीं होगी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के लास्ट प्रॉब्लम पर। तो चौथा प्रॉब्लम क्या है, √5 - √3 / √5 + √3। तो यहाँ पे हर क्या है, हर का अनुबंध युग्म लेते हैं हमेशा, तो √5 + √3 का अनुबंध युग्म, अनुबद्ध युग्म क्या है, ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा, क्या हो जाएगा, √5 - √3। प्लस है तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, मैंने बताया है। तो अब यहाँ पर क्या करेंगे, इसी अनुबंध युग्म का अंश और हर में गुणा करने पर, अंश व हर में गुणा करने पर। तो चलिए √5 - √3 / √5 + √3 मल्टीप्लाई बाई, यहाँ पे क्या हो जाएगा, √5 - √3 / √5 - √3। अंश और हर का क्या करेंगे, गुणा कर दिए। तो अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये माइनस है, ये माइनस है, तो इसका क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा। क्या होता है, ए मल्टीप्लाई ए स्क्वायर क्या होता है, होल स्क्वायर, ए का होल स्क्वायर। तो वही होगा √5 - √3 का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर अपॉन यहाँ पे इसका ए प्लस बी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, √5 का स्क्वायर - √3 का स्क्वायर। और इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो देखिए क्या होता है, तो यहाँ पे ये वर्गमूल है तो वर्गमूल क्या होता है, 5। तो देखिए इसको आपको एक और फॉर्मूला पता होगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस 2ab + b² तो सेम वहाँ पर है, a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर क्या करेंगे, √5 का स्क्वायर - 2√5 × √3 मतलब -2ab + b² मतलब +3 का होल स्क्वायर। इस तरीके से इसको ब्रॉड करेंगे, फैलाएंगे, विस्तारित करेंगे और यहाँ पे ये रूट इसको कैंसिल करेगा, ये इसको कैंसिल करेगा, तो 5 - 3 ही बचेगा, बस इतना ही इसमें बचेगा। तो अब इसका देखो, ये स्क्वायर इस रूट को कैंसिल किया, ये स्क्वायर इस रूट को कैंसिल किया, तो हमारे पास बचा क्या, 5 - 2
5 मल्टीप्लाई 3 और फिर प्लस ओनली 3, ये रूट कैंसिल हो चुका है और अपॉन क्या हो गया 5 माइनस 3 अपॉन क्या हो गया 2 हो गया। तो अब 5 त्रिजा क्या होता है 15, तो देखो 5 माइनस 2 को किस तरीके से कर सकते हैं, 5 प्लस 3 क्या होता है 8 हो जाएगा, यहाँ पे प्लस है और ये भी प्लस है, तो 8 माइनस 2 इन रूट 5 त्रिजा 15 अपॉन क्या लिख सकते हैं 2, तो 8 माइनस 2 कितना हो जाएगा, तो देखिए इसमें 8 है इसमें 2 है, तो अगर हम इन दोनों में से 2 कॉमन ले लेते हैं तो क्या हो जाएगा, 2 कॉमन लिया तो 2 तो हट जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा 4 माइनस रूट 15 अपॉन 2, ये कॉमन इसलिए ले रहे हैं कि ये और रूट कैंसिल हो जाए, तो देखिए 8, तो जब ये 2 से कैंसिल हो जाएगा तो 4 रूट 15 ये इसका फाइनल आंसर होगा। तो ये अगर नहीं समझ में आया तो एक बार वीडियो वापस देखिए, और फिर भी नहीं समझ में आता है तो कमेंट बॉक्स में बताइए तो मैं आपको वापस एक्सप्लेन करती हूँ, वैसे बहुत ईजी है। तो इस तरीके से ये पूरा हमारा प्रैक्टिस सेट कंप्लीट होता है, नेक्स्ट वीडियो में 2.5 देखेंगे। थैंक यू वेरी मच।